वो काम इस क्षेत्र के लिए किए हैं। आजादी से लेके मुआवजे तक जितनी आवाज मनवीर भाई ने उठाई है, मौजूदा विधायक ने आज तक कोई वो बात किसानों की नहीं उठाई है। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं, अगर इस बेटे को, इस भाई को आपने एक बार विधायक बना दिया तो मैं दावे से कहता हूं कि इस क्षेत्र की दिशा ही चेंज हो जाएगी। मेरा हाथ जोड़ के अपील है, 10 तारीख को ज्यादा से ज्यादा हाथी के बटन पर वोट देकर विजय बनाए और फिर देखना इस अपने भाई को, बेटे को विधायक बनके इस क्षेत्र में क्या करके दिखाएगा। धन्यवाद। नागर साहब, आज यहाँ चुनावी नुक्कड़ सभा में आए हुए सभी मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों और मंच पर बैठे हुए सभी मंचासीन, मैं सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित साथियों, अभी पूर्व में सभी वक्ताओं ने आपको अपने विचार रखे और सबके बारे में आपको अवगत कराया, ये तो आपसे भी छुपी हुई कोई बात नहीं है। आपके बीच के यहाँ जो आपने पहले यहाँ से विधायक बना करके भेजे थे वो भी तुम्हारे बीच में है। जो पहले चुनाव यहाँ लड़ते रहे वो भी तुम्हारे बीच में 5 साल हो रहे हैं, सबको आपने देखा होगा। पहली बात तो ये है कि ये बहन जी का गृह जनपद है। दूसरी बात, मैं तो बहन जी का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय बहन जी ने आपके बीच में एक ऐसे व्यक्ति को भेजा है जो गरीब मजदूर और नौजवान की आवाज को उठाने का काम करता है, उनके दर्द को अपना दर्द समझता है। ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में है, आदरणीय बहन जी ने भेजा है। और आपसे पहले मैंने जब भी देखा था, क्योंकि हम और मेरे बड़े भाई सतपाल नागर जी तो हम पार्टी में काम करते थे, मनवीर भाई को जब भी हमने देखा था तो किसानों की और मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए हमने देखा था। नौजवानों का दर्द, इनके सीने में भी दर्द ऐसा ही उठता था जब देखते थे। मेरी बातें हो असकर होती थी तब मुझे बताते थे कि यहाँ के जो प्रतिनिधि है, जो सांसद हम बना करके भेजते हैं, जो विधायक हम यहाँ से चुन करके भेजते हैं, वो मेरे युवाओं को किसी तरीका का कोई दर्द वो नहीं समझते। वो आपकी वोट लेते हैं और 5 साल अपना मजे से काटते हैं। कब तक ये दर्द सहते रहोगे? एक 5 साल में एक ये दिन आते हैं, 15 दिन, इनमें हम अपना सवाल उनसे कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए, अब से पहले जो विधायक रहे उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार यहां से दिलाया, कितने किसानों की समस्या यहां के उन्होंने निपटाई, चाहे मुआवजे का सही, आबादी का सही, 64% का सही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। मैंने जब भी देखा, अरे एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी बात को इतनी मजबूती के साथ रखता है, प्राधिकरण की बात आती है तो वहां अड़ जाता है, पुलिस प्रशासन की बात आती है तो वहां अड़ जाता है, अगर इन्होंने, आप लोगों ने इनको और कुछ ताकत दे दी तो मैं तो समझ सकता हूं कि यहां का ना तो रोज युवा बेरोजगार रहेगा ना किसान की समस्या कोई रहेगी। मैं ज्यादा कुछ ना कह करके, क्योंकि आगे भी बहुत कार्यक्रम लगे हैं वहां के लिए भी, अगर यही हम बोलते रहेंगे करते रहेंगे, समय ज्यादा बहुत कम है, तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं और आपसे अपील करता हूं, खासकर युवा साथियों से करता हूं और अपने बुजुर्गों से करता हूं, आप एक एक मनवीर भाटी बन जाओ। ये जीत मनवीर भाटी की नहीं होगी, यहाँ के युवा की होगी, यहाँ के उस किसान की होगी जो किसान सड़कों पर घूमता रहता है। मैं ज्यादा कुछ ना कहकर अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही आपको उसमें आए हैं, आपने इतनी भारी संख्या में सम्मान किया है, यहाँ की जनता को मेरा अपनी तरफ से, दूसरे गांव की तरफ से, मनवीर की सारी टीम की तरफ से आपको नमन और बार बार धन्यवाद और नमस्कार, आपका स्वागत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको बहुत लोगों ने शुक्राया है, ये मनवीर भाई नया युवा नेता है,
ये महानगर विंध्याचल से राजनीति शुरू कर लिया। मेरा महानगर विंध्याचल के शासन देखा हुए और मैंने अनेक कार्य किए। समय का मैंने रणनी साधना मेरी शासन मैंने कॉलेज में क्षेत्र में बहुत काम किए। नंबर दो साल मैंने किसानों का मुद्दे उठाए, वो आपके सामने ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं है। वो अपना आप सब संतों से मानी जागरण को सर्वस्था मंडी भाजी किसान लेकर विषय संघर्ष तो को जानकारी समय करने में सहयोग करूंगा। और अब ये जब सारी समस्याएं जीवन समस्या है थी और रहूंगी, लेकिन इस इंसान का एक जज्बा है, जोश है, लगाव है, किसानों का मजदूरों का, इसने सोचा मैं इनकी मदद करूं, कई मैंने मदद कर लिया, संघर्ष कर रहा है। अब जब हम कुछ सफलता मिली कुछ नहीं मिली, क्योंकि कानूनी बात की चुनौती होती है, वहां हमारा विरोध लग गया, तो हम सब लोगों को सुनने से कहने से इनको समझ